हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? मैं श्वेता स्वागत करी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं ऐसे आप लोग को केला दिखा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो पगला तो नहीं गई। तो आज मैं आपको केले की कोफ्ता, टेस्टी टेस्टी कोफ्ता बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक केला रखी हूँ, देख सकते हैं कितना बड़ा खट्टा खट्टा केला है। और इसका मैं पहले सबसे पहले छिलके उतार दूँगी और इसको थोड़ी सी बॉयल कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट मैं इसके छिलके उतारती हूँ। तो यहाँ केला कटके हो गया रेडी। इसमें मैं हल्दी नमक ऐड करके इसको बॉईल कर देती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें हल्दी नमक ऐड हो गया। इसमें ढक के एक सीटी लगाना है मुझे बस। तो गाइस फाइनली हमारा केला उबल गया है, देख सकते हैं पूरा गल गया है एकदम से अच्छे से। तो जो भी इसका पानी था उसे मैं अलग कर दी हूँ। अब इसको मिक्स कर देती हूँ। सबसे पहले ऐसे मैं मिक्स क्रश करने वाली भी रखी हूँ, बट अभी फिलहाल मैं जल्दी जल्दी इसी से मार देती हूँ। तो गाइस अब इसमें बारी आया मसाला ऐड करके इसके डीप फ्राई कर रहे। तो इधर हमारी ऑयल गर्म हो रही है और इसमें मैं मसाला ऐड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं गोल मरीच डाल रही हूँ थोड़ी सी। उसके बाद थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें पहले से ऑलरेडी है, बस थोड़ी सी नाम मात्र देनी है। थोड़ी सी बेसन ऐड कर देते हैं। अब इसे तो इसमें बेसन ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर ली थी। ये थोड़ी सी गर्म भी थी अभी हमारी और मैं हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही थी। तो बेसन इसलिए थोड़ी हल्की सी डाली, ज़्यादा नहीं डालती हूँ नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। सिर्फ बेसन बेसन टेस्ट आएगा। हल्की सी डाल दी ताकि हाथ में आसानी से वो चिपक के बॉल बन जाए। तो इसलिए मुझे केले की कोफ्ता काफ़ी पसंद है। और हमारी वायल इधर गर्म हो ही रही थी और मैं अपने हाथों से गोल गोल बॉल बना के उसमें डालना स्टार्ट कर दी। बहुत ही अच्छा केले की कोफ्ता लगता है। कटहल की कोफ्ता हो, केले की कोफ्ता हो, और पता नहीं किस किस चीज़ की बनती है, मुझे ध्यान में भी नहीं है। जब मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे ध्यान आ जाती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स करना आप लोग को कैसा लग रहा है। तो मैं सारे बॉल को पहले वॉयल में डाल लेती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, सुबह की टाइम थी तो सबका ड्यूटी स्कूल वगैरह सब होता है। तो सुबह में वीडियो बनाने में भी बहुत तकलीफ़ होता है। देख सकते हैं इसे मैं वॉयल में फ्राई कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैं सारे जो हमारे बड़ी उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी बनाते। तो ये हमारा तल के हो गया है रेडी। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ फटाफट। अब मसाला की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमारी वॉयल गर्म हो रही है, इसमें मैं दो सूखी मिर्ची ऐड कर देती हूँ सबसे पहले। तो जैसे हमारी सूखी मिर्ची जल चुकी है तो अब इसमें मैं फुटन ऐड कर देती हूँ। और इधर मैं दो प्याज को बारीकी से कट करके रख रखी हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी के लिए। इधर हमारा सारा क्वाइन जो है तल गया, थोड़ी सी बची है जो कि तल रही है। चलिए अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। और इधर मैं एक पूरा लहसुन की कली और थोड़ी सी अदरक छील के रखी हूँ, इसको मैं कूच लेती हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं कूच के डालती हूँ, पेस्ट नहीं डालती। और इधर हमारी प्याज पक रही है, इसको हल्की गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो चलो हमारे प्याज भून के गए रेडी। अब मैं फटाफट से भी मसाला ऐड कर लेती हूँ।
मैं कुछ तरकता भरकता मसाला भाई नहीं डालती हूँ, बस डेली सिंपल जो यूज करती हूँ वही डालूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी हूँ, इसके बाद मैं इसमें जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ, काली मिर्च डाल दे रही हूँ। इसी सबसे तो सब्जी बनती है भाई, सब मेरा घर का पीसा हुआ रहता है, इसमें मार्केट का मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, सब खड़ा ला के मैं खुद से रेडी कर देती हूँ सबको। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर ऐड कर दी, और जो सबसे ज़रूरी है हल्दी पाउडर। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर नमक स्वादा अनुसार, क्योंकि पानी ऐड करके सबको पकने दे रही हूँ, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से पक जाता है उतना अच्छा होता है सब्जी। पानी ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हमारे जो ग्रेवी थी उसमें बॉयल आ चुकी थी, और हमारा जो भी तला हुआ मैं कोफ्ते की केला की कोफ्ते तली थी उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। केला जो है ना ये पानी ज़्यादा सोखता है, ग्रेवी जो हमारा होता है उसे, तो मैं यहाँ पर 2 मिनट बॉयल होने के लिए बस छोड़ूंगी, और उसके बाद इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता ऐड करके बस इसे बंद करने वाली हूँ। तो मैं ऐसे ही झटपट में केले की कोफ्ते बना ली। अब आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो, और हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लास्ट को अब गैस बंद करने के बाद मैं इस पर धनिया पत्ता छिटके और बंद कर दे रही हूँ। तो चलिए, इस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल।